बगदादी की भारतीय फौज, बहुत बड़ा सवाल है इसके सामने और ये सवाल कायम लगा हुआ दिखता है, क्योंकि कम से कम हमारे सहयोगी टीएस सुधीर ने जब ऐसे ही एक शख्स से बात की, उसने अपनी आपबीती सुनाई, तो वो खुद ये कह रहा है और हर भारतीय को ये सुनना चाहिए, वो खुद कह रहा है कि आईएसआईएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, अपने परिवार की वजह से मैं वहां नहीं गया, क्योंकि मुझे जो लगता है वो ये है कि उनका जो भी करना धरना इस वक्त है वो गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। जहां आईएस में शामिल होने पर युवक का खुलासा, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे सहयोगी टीएस सुधीर से उसने कहा है कि आईएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, आईएस का समर्थन करने पर मुझे अफसोस है। फेसबुक पर कुछ पेजेस को लाइक करने के बाद आईएसआईएस ने इससे संपर्क साधा था, वीजा तक इसने लगवा लिया था क्योंकि ये जाना चाहता था, लेकिन एजेंसीज ने इससे संपर्क साधा और अंततः इसने ये फैसला लिया कि आईएसआईएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और अब ये शख्स अफसोस जता रहा है आईएस का समर्थन करने पर। आइए आपको सुनाते हैं टीएस सुधीर से इसकी एक्सक्लूसिव बातचीत का वो हिस्सा जिसमें ये कह रहा है कि आईएस और इस्लाम का कोई आपस में रिश्ता नहीं। आपने फैमिली में किसी को नहीं बताया था कि आप ऐसे वीजा के लिए अप्लाई किए? नहीं, किसी को नहीं बताया था, मैं बताता तो ऑब्वियसली जाने नहीं देते थे, तो मैं फ़ोन करके बोल दिया था जहाँ से वीज़ा के लिए अप्लाई कराओ, कंसल्टेंसी को मैं फ़ोन करके बोल दिया था जब भी कि मेरा वीज़ा कैंसिल कर दो, मेरे को नहीं जाने का है, कैंसलेशन का स्टैंप लगा के दियो मेरे पासपोर्ट पे बोल के बोला। लेकिन आपके एक दोस्त वो गए और उनको अरेस्ट या उनको डिटेन किया गया कोलकाता एयरपोर्ट में, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ मेरे को तो अभी तक नहीं मालूम है, और जब वो लोग वहाँ जा रहे थे मेरे को बोले चलो अब रुकना तो नहीं है, जाना है, मैं बोला नहीं मेरे को रुकना है, मेरे को मेरी फैमिली देखना है, सब देखना है, मेरे को रुकना है, मैं रुक गया। और वही फौरी उसके नेक्स्ट स्टेप मैं ये लिया, कंसल्टेंसी को फ़ोन करा, मैं फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे को नहीं जाने का है, मेरा पासपोर्ट पे वीज़ा कैंसिलेशन स्टैम्प लगा के दियो। तो आपने जब ये नहीं जाने का फैसला किया उसके बाद इस ग्रुप से, इस्लामिक स्टेट से, या आपके जो हैंडलर्स जो ऑस्ट्रिया में थे उनसे किसी तरह से कांटेक्ट हुआ आपका? नहीं, कोई तरीके का कांटेक्ट नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं की? नहीं, वो कोई बंदा नहीं था कांटेक्ट कर रहा उस वाला, लेकिन मैसेजेस नहीं आए, कोई मैसेजेस नहीं आए, मैं सिर्फ उसमें पेजेस पे इन्फॉर्मेशन देखता था, बस वो फॉलो करता लेकिन था। लेकिन आपकी तरह कई सारे ऐसे लोगों को इंडॉक्ट्रिनेट करने की कोशिश हो रही थी उन पेजेस पे? ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे उन लोगों का करने का मतलब तो एक ही है, पूरे जितने भी सोशल मीडिया यूज़ करते सबको उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट करना, यही उन लोगों का एम था। अभी जो पेरिस में पिछले हफ्ते हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो प्योरली टेररिस्ट अटैक है और ये इस्लामिक स्टेट इस्लाम से नहीं है, उन लोगों इनला आउट ऑफ इस्लाम है, मेरे को ये चीज़ का इल्म बाद में हुआ, इसकी नॉलेज मेरे को बाद में आई वो होने के बाद। तो आपका अभी रिग्रेट है? जी, आप जिस तरह का कदम उठाने वाले थे कि आपको अभी उसके बारे में क्या लगता है, आपको एक तरह से लगता है कि वो काफ़ी गलत कदम होता? बिल्कुल, बहुत काफ़ी गलत कदम था वो। तो सुना आपने एक्सक्लूसिव बातचीत, टीएस सुधीर हमारे सहयोगी कर रहे थे एक ऐसे शख्स से जिसने एक वक्त पर सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक पर कुछ पेजेस को लाइक किया जिसमें इस तरह से नफरत फैलाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद आईएस के लोगों ने उससे संपर्क किया और आईएसआईएस से संपर्क में आने के बाद बाकायदा वीजा भी शख्स ने ले लिया था, उसका एक दोस्त कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा भी गया, लेकिन ये आज कह रहा है कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों का, और उसे अफसोस है कि उसने एक वक्त पर अपना समर्थन आईएसआईएस को दिया था। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, जो सवाल मैं पहले अन्य मेहमानों से पूछ रही थी, आप लेट से जुड़े हैं हमारे साथ, 150 लोगों पर होम मिनिस्ट्री नजर बनाई हुई है, क्या वजह है कि आज भारतीय मुस्लिम भी आईएसआईएस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, इसको एक बड़े फलक पर देखना चाहिए और यथार्थ से जोड़ कर जब हम किसी चीज़ का को देखेंगे तो हम किसी समाधान पर पहुंचेंगे। दो तीन बातें इसमें हैं। पहली बात तो यह है कि इस्लाम के भीतर आधुनिकता और मध्ययुगीन सोच के बीच एक संघर्ष चल रहा है जिसका सामना इस्लाम को करना पड़ेगा। जैसे इस बच्चे ने कहा कि मैं वहाँ इसलिए नहीं गया कि इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, तो इस्लाम के से संबंध नहीं मानने वालों को आज एक प्रकार का संघर्ष, एक प्रकार का डू एंड डाई की लड़ाई छेड़नी पड़ेगी कि आईएसआईएस इस्लाम को बदनाम कर रहा है, इस्लाम को गुमराह कर रहा है। दूसरी बात कि देखिए, आईएसआईएस का जो एक मुखपत्र है डाबिक,
उसका अध्ययन करने से ये पता चला, मैंने उसके 10-12 अंकों का अध्ययन किया, वह अपना खाद पानी इस्लाम से ले रहा है, इसलिए लोगों को गुमराह कर रहा है। बाद में लोगों को रियलाइज होता है कि महिलाओं को मारना, बच्चों को मारना, आतंक फैलाना इस्लाम नहीं है, तो वो बाद में ये रियलाइज करते हैं, लेकिन इसके पहले ये घटनाएं घट जाती हैं। तीसरी बात, हिंदुस्तान के मुसलमानों के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि खिलाफत आंदोलन का अनुभव उनके पास है। टर्की में जब खलीफा के खिलाफ आंदोलन हुआ और खलीफा के को हटाने के लिए अभियान हुआ तो हिंदुस्तान में उसको बहुत जोर मिला। उस खिलाफत का परिणाम क्या हुआ हमने देखा है। इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कम से कम इस आंदोलन को खाद पान नहीं देना चाहिए। और भारतीय परिवेश में, और मैं इस्लाम के प्रति, मेरा एक मानना है कि इस्लाम का जो पूजा पद्धति है, जो उनकी आस्था है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति मूल से जोड़कर जब इस्लाम देखेगा तो इस्लाम में एक डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्म आना चाहिए। उम्मा का जो कंसेप्ट है वह हमेशा दिग्भ्रमित करने का एक माध्यम बनता है। फिलिस्तीन में घटना घटती है, भारत में उसका प्रभाव पड़ता है, सीरिया में घटना पड़ती है, भारत में प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की जो एक मनोवृत्ति है उससे निकलकर हमें थोड़ा डिसेंट्रलाइज, जो विकेंद्रीकृत स्वरूप है इस्लाम का, वह दिखाई पड़ना चाहिए, तभी इस्लाम इन पचरों से बाहर निकल पाएगा। अन्यथा सबसे बड़ी चुनौती मानवता के सामने तो है ही, इस्लाम के सामने है। इस्लाम को आज साबित करना है कि इस तरह के जो आतंकवादी हैं वो इस्लाम के नहीं हैं। लेकिन डाबिक को आप पढ़िए और देखिए किस तरह से गुमराह करने के लिए वो इतना खाद पानी इस्लाम के अंदर से ले रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए, ये चुनौती हमारे सामने भी है, इस्लाम के सामने भी है। राशि जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर प्रतिक्रिया दें अपनी। और सोशल मीडिया के जरिए वो बच्चों को बहका रहे हैं, ये कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अथाह समंदर है ये, तो हर घर में घुसकर। हाँ देखिए, एक बात तो मैं ये कहूं कि खिलाफत मूवमेंट में अकेला मुसलमान शामिल नहीं था जो टर्की के अंदर हो रहा था, और उस वक्त ये देश गुलाम देश था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, और उस वक्त ये कोशिश हो रही थी कि दुनिया की दूसरी ताकतों से मदद ली जाए अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, और उसमें सबसे बड़ा नाम महात्मा गांधी का था जो खिलाफत मूवमेंट के एक बड़े नेता थे। तो मैं इसमें कोई बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। जहाँ तक सवाल आईएस और इंडियन मुस्लिम्स का ताल्लुक है, देखिए 150 लड़के अगर मुतासिर हैं उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान आईएस से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, ऐसा मेरा यकीन है। लेकिन साथ साथ अंजना जी, मैं कहूँगा कि भारतीय सरकार को कोशिश करनी चाहिए। अभी प्रधानमंत्री G20 से वापस आ रहे हैं, आईएसआईएस को कैसे ख़त्म किया जाए। मैं कई बार कई चैनल्स पे, कई मीडिया में मैं ये कह चुका हूँ, आईएसआईएस आतंकी संगठन है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है दुनिया के कौन से मुल्क हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, उसके पास मॉडर्न वेपन्स हैं, कहां से आ रहे हैं। कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं रखी है सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, कोई ना कोई मुल्क तो है, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया जानती नहीं है, दुनिया नाम नहीं लेती है। रशिया के प्रेसिडेंट ने अभी कहा है कि मुझे मालूम है, एक छोटा सा कि कौन से मुल्क शामिल है। वो बात पूरी कर लें आप, तो आप तुरंत बोलिएगा, वो बात पूरी कर लें जल्दी से। हाँ, अभी अभी ओबामा ने कहा, बयान दिया, लेकिन आज ओबामा पीछे हट रहे हैं, उस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे। फ्रांस उसके अंदर लड़ाई में शामिल है, रशिया शामिल है, अमेरिका ने बैकआउट किया है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम पर इस बात की भी कोशिश करें कि वो तमाम कंट्रीज जो आईएसआईएस की मदद कर रहे हैं सस्ते दामों में तेल खरीदने के लालच में और दूसरे लालच में, उनको एक्सपोज किया जाए। ठीक है, अगर उन्हें एक्सपोज करेंगे आईएसआईएस खुद ब खुद कमजोर होता चला जाएगा। राकेश जी, देखिए मैं इनकी बात से पूरी तरह असहमत नहीं होते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि भारत के बुद्धिजीवी बार बार षड्यंत्र सिद्धांत का सहारा लेते हैं कि इसके पीछे पश्चिम खड़ा है, इसलिए दोष जो लोग इस आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, उसकी जगह दोष पश्चिम पे चला जा रहा है, अमेरिका और अन्य देशों पर जा रहा है, इससे बचना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सवाल उठता है यह नहीं है कि 150 मुसलमान आकर्षित हो रहे हैं, सवाल यह उठता है कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, उसका आधार क्या है,
वो इस्लाम जिस इस्लामिक आयतों का उपयोग आप करते हैं लोगों को समझाने के लिए शांति का रिलीजन है, वो उन्हें उसी में से कुछ आयतों का उपयोग यह इस बात के लिए करते हैं कि प्योरिटी खोजा जाए। मैं बताता हूँ कि इस्लाम में एक छोटा सा वर्ग हमेशा रहा है, जैसे खारजी जब चौथे खलीफा हुए थे तब खारजी ने प्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात कही थी, वही ट्रेंड लगभग आईएसआईएस में दिखाई पड़ रहा है। तो खारजी से लेकर आईएसआईएस तक जो ट्रेंड चल रहा है वो दिखाता है इस्लाम को एक पुनर्जागरण और एक रिफॉर्म की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जो उसके भी हित में है, मानवता के भी हित में है। इस सवाल पर जो आखिरी दो लाइनें कही है राकेश जी, इस पर मैं सबसे जल्दी दो लाइन में रिएक्शन चाहती हूँ। अबू आजमी साहब आपसे शुरू करते हुए दो लाइन में रिएक्शन। नहीं नहीं देखिए मैं बहुत ही एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि आज फलस्तीन के अंदर इतना हमला हो रहा है मुसलमानों पर, सत्याग्रह किया फलस्तीन के मुसलमानों ने वहाँ पर आज़ादी के लिए बैतुल मुकद्दस की, पिछले महीने अक्टूबर में 89 मुसलमान मारे गए, 10,000 जख्मी हुए, 23 बच्चे शहीद हो गए, लेकिन आज तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं इनका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए दुनिया में अगर मक्का मदीना में कुछ होगा, अगर फलस्तीन में कुछ होगा जहां हमारी इबादतगाह है, हमारा कंसर्न उससे हमेशा रहेगा। और अगर आज इस मुल्क में कहीं भी ज़रूरत है मुसलमानों को तो फलस्तीन में, आज फलस्तीन को आज़ाद कराने की ज़रूरत है, वहाँ पर बैतुल मुकद्दस आज़ाद करना, तो वहाँ पर आईएसआई का कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है आईएसआई के लोग इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये सब का सब बनाया हुआ जो है अमेरिका का और जो है इसराइल का बनाया हुआ एक ढोंग है इस्लाम को बदनाम करने का, और इस्लाम कभी भी किसी को मारने का सबक दे ही नहीं सकता। जो लोग मुसलमान के नाम पर कर रहे हैं, भले वो नाम के मुसलमान होंगे लेकिन वो इस्लाम के मानने वाले नहीं हो सकते। कमाल फारूकी साहब देखिए इन तमाम बातों में अगर आप देखें तो इसमें इस वक्त का डिस्कशन जो है बहुत उम्दा डिस्कशन है, चाहे वो हमारे तरविंद साहब ने कहा, चाहे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के हमारे कांग्रेस के, चाहे अबू आसिम साहब ने, चाहे हमारे जो विद्वान हैं सिन्हा भाई जो है उन्होंने बात कही। हकीकत बात यह है कि एक तो मुझे आपके उस शब्द के ऊपर जरा थोड़ा सा आपत्ति है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की फौज नहीं है, मसीह के कुछ हमारे जो उस तरह के जो बच्चे हैं 150-200 या जितने भी बच्चे हैं उन पर जब अगर हम काम करेंगे तो आपने देखा कि हम उनको रिफॉर्म भी करने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मामला है, अगर कहीं भी जरा से भी कोई हमला होता है तो हम सब लोग एक होते हैं उसके अंदर। अगर हम बॉम्बे का हमला हुआ तो बॉम्बे के मुसलमानों ने मसीह के उस आदमी को अपने कब्रिस्तान में दफन होने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं दफन होने देंगे। मतलब ये स्पिरिट सब जगह है हमारे यहाँ, हम अपनी इस स्पिरिट को कायम रखें। और हम जैसे मैंने कहा था उस वक्त, बात मेरी आपने ली भी थी फिर रह गई बीच में, कि जब भी कोई इस किस्म की कोई घटना होती है और कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसमें मुस्लिम उलमा बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। आप जो आपको नजर आ जाएंगे, सिन्हा भाई को भी नजर आ जाएंगे, बाकी सब लोगों को नजर आ जाएंगे, हम जाकर उन तक बात करके समझाएं, उनको राह रास्त पर लेकर आए, इसी में हमारी भलाई है। ठीक है, फेसबुक और इसके जरिए हो रहा है, इसको हमको करना पड़ेगा। कंक्लूडिंग लाइन से अबू आदमी साहब ने और राकेश सिन्हा जी ने कहा, मैं दोनों को समाहित करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने सही कहा अबू आदमी साहब ने कि 89 लोग फिलिस्तीन में मरे और लेबनान में मरे, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी एक धर्म के लोग मरे हैं आतंकवाद में तो वो इस्लाम के ही मरे हैं। मगर संयोग ये है कि मारने वाले लोग भी वही थे। तो मैं राकेश सिन्हा जी वाली बात से लेता हूं कि एक प्रकार का एक आंतरिक संघर्ष है जो इस्लाम के वास्तविक धार्मिक स्वरूप और दूसरे वहाबी राजनीतिक स्वरूप के बीच में है, और ये एक प्रकार का संघर्ष पूरे विश्वव्यापी स्तर पे चल रहा है। भारत में हमको इस प्रकार के संघर्ष को नहीं आने देना है, और इस्लाम का जो मूल धार्मिक स्वरूप है उसे हमें बना के रखना होगा। इसलिए भारत की जो इस्लामिक परंपरा है, चाहे उसमें शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान रहे हों, अब्दुल रहीम खान खाना रहे हों, बीबी ताज रही हों, या फिर वो अमीर खुसरो जो कहते थे बात गजब कह दीनी तो उसे नैना मिलाए के, वो एक स्वस्थ परंपरा थी, हमें उसी परंपरा को संरक्षित रखना चाहिए। और जो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक प्रभाव चल रहा है इससे हम बचा के रखें, तो वही हमारे लिए पॉलिटिकल इस्लाम को हम भारत के रिलीजियस इस्लाम के साथ न मिलने दे, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। चलिए आपकी इसी बात के साथ इस बहस का अंत करते हैं, और उम्मीद यही कि कम से कम जिस सार्थक बात के साथ इस शख्स ने हमारे सहयोगी टीएस सुधीर के सामने अपनी बात पूरी की और कहा कि इस्लाम और आईएसआईएस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई धर्म नहीं है उनका जो लोगों की जान लेते हैं, और इसीलिए उसे अफसोस है कि उसने एक वक्त पर आईएसआईएस का समर्थन किया था, यही सोच एक जिंदा कौम को आगे ले जाती है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फॉरन वापस देखिए। निसगमम
मनि पम ग नि पम नि पम ग स नि पम नि स प स जहाँ तक याद याद आती रहेगी।